हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दा लैक्चर बहुत ही इंपोर्टेंट लैक्चर रहने वाला है। आज दे लैक्चर विच न्यू गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा न्यू गाइडलाइंस इशू कर दी गई ने, उस बारे डिस्कस करांगी। इस विच पेपर पैटर्न की रहने वाला है, किन्ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करांगे और यूनिट नू किस तरह डिवाइड किया गया है एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की रहने वाली है, इस बारे सारी जानकारी आप जी नू प्रोवाइड की जाएगी। फर्स्ट देखते हैं एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन। जो जो एग्जिस्ट गाइडलाइंस हैं, पहले गाइडलाइंस हैं, उन बारे डिस्कस करते हैं। जिस तरह एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस विच और सिलेबस नू कवर कराया जाता सी। फर्स्ट देखते हैं क्लासिस बाई क्लासिस, क्वेश्चन टू बी अटैम्प्ट, कंपलसरी क्वेश्चन एंड क्वेश्चन फ्रॉम जून टू बी अटैम्प्ट एंड ड्यूरेशन। फर्स्ट जिस देखते बी ए, बी एस सी, बी कॉम, बी बी ए, बी सी ए एंड ऑल अदर यू जी सी अंडर ग्रेजुएट एंड ऑनर्स कोर्स, उस विच पंजाबी एंड इंग्लिश कंपलसरी वास्ते ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे सी, कंपलसरी क्वेश्चन भी ऑल होंगे सी एंड यूनिट भी ऑल होंगे सी। इस तरह अदर भी एच पी सी एंड अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी एंड इलेक्टिव पंजाबी वास्ते जो जो सेम सी प्रोसीजर तुसी ऑलरेडी जानते हो, फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते सी, सारा सिलेबस भी कंपलसरी हुंदा सी, या सेव वाला भी हुंदा सी, सब कुछ सेम हुंदा सी। प्रोफेशनल कोर्स वास्ते लाज वाले एम कॉम, एम ए बी ए, इंजीनियर, हॉस्टल मैनेजमेंट, ये सब जो अपनी स्क्रीन देख सकते हो, फॉर्मेसी, होम साइंस, लाइब्रेरी साइंस वास्ते जो जो पहला पैटर्न सी वो सेम, फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे सी, सारा सिलेबस कंपलसरी हुंदा सी, सब क्वेश्चन करने होंदे सी, ड्यूरेशन 3 आवर्स हुंदी सी। एंड पी जी कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन एम ए, एम एस सी, मैथ्स हो गए सें, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जो एम एस सी, एम एम कॉम सी, उस वास्ते फाइव क्वेश्चन होंदे सी, सारा सिलेबस कवर करना होंदा सी, यूनिट भी सारे कवर करने होंदे सी। एंड एजुकेशन नाल रिलेटेड भी फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंदे सी, जिस तरह तुसीं बी एड और एम एड, या सारा सिलेबस कवर करना होंदा सी एंड टाइम की होंदा सी 3 आवर्स होंदा सी। बट न्यू गाइडलाइंस की हैं, ड्यू टू कोविड-19 कारण इस नू चेंज कर दिता गया है, उस बारे देखते हाँ। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामीनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंडर कॉलेज आते हैं, उन्होंने वास्ते न्यू गाइडलाइंस हैं। ड्यू टू कोविड-19 गाइडलाइंस ऑफ स्टूडेंट अटैम्प्ट द क्वेश्चन है बी फ्रेम न्यू क्वेश्चन की दा किस तरह आप उन्होंने फ्रेम किया गया, उन्होंने बारे आप सब डिस्कस करा। ये इंप्लीमेंटेड ओनली उन स्टूडेंट्स नहीं हो गए जो फाइनल सेमेस्टर के एग्जामीनेशन ही क्योंकि कंडक्ट कराए जा रहे हैं। उन्हें गाइडलाइंस बारे अपडेट्स देखते हाँ, बस देख सकते न्यू गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन फॉर अटैम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑफ कवरिंग फुल सिलेबस कवर किया जाए द क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट टू बी टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामीनेशन। बस जिस तरह तुम देख सकते हो बी ए, बी एस सी, बी कॉम, सारे ही क्लासेस बी कॉम, बी बी ए, बी सी ए एंड ऑल अदर यू जी सी, मेरे अंडर ग्रेजुएट एंड ऑनर्स कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स सलाह देख सकते हो, एंड पी जी कोर्स, एम ए, एम एस सी, एम कॉम, एजुकेशन एंड इलेक्टिव हिंदी इलेक्टिव पी ए, यह सारे वास्ते तुम देख सकते हो। फर्स्ट की है एनी फोर क्वेश्चन टू बी अटैम्प्ट इनकलूडिंग कंपलसरी क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन में शामिल करके, जरूरी क्वेश्चन भी शामिल करके तुसी कोई भी फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। पहले की सी फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे सी, हूँ की फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ऑल क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स ही कैरी किए जाएंगे, हरेक क्वेश्चन बराबर मार्क्स का होएगा। एंड क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट टू बी अटैम्प्ट, नो यूनिट टू बी लाउड, कोई भी यूनिट लाउड नहीं है, तुसी किसी भी सारे ही सिलेबस विच ऑल सिलेबस विचों तुसी प्रिपेयर करके ओनली फोर क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन नू कट कर दिता गया है, तो उस नाल तुसी अपने आप ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही तुसी सिलेबस नू छड सकते हो। एंड कोई भी यूनिट अलाउड नहीं है, कोई भी तुसी एनी तैयार करके तुम फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामीनेशन, ड्यूरेशन रहने वाली है 2 आवर्स, 2 आवर्स ड्यूरेशन रहने वाली है, मीनस हूँ 2 घंटे का ही पेपर होगा। पहले 3 घंटे का सी, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे सी, एंड यूनिट सब कुछ फिक्स सी, यूनिट में ही अपन बाउंड रह के ही तैयार करने होंगे सी। बट हूँ कोई भी यूनिट अलाउड नहीं है, तुम सारे सिलेबस में ही 4 क्वेश्चन अपनी मर्जी नाल अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड इसका समा क्या रहेगा, 2 घंटे का समा रहेगा पेपर का, तुम देख सकते हो।
नैक्सट हिंदी इलैक्टिव बी ए एनी थ्री क्वेश्चन आउट ऑफ फस्ट फोर क्वेश्चन। पहले फोर क्वेश्चन में थ्री क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स आर कंपलसरी। फिफ्थ तो सिक्स का क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा। इस तरह तुम एक गाइडलाइंस देख सकते हो जो कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामीनेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा कोविड-19 के कारण इस इशू किया गया है। इस तरह ये वीडियो खत्म होती है। इस रिलेटेड कोई भी इनक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।